हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नया चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारी कैसे है, देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस ए एंड बी मीटर्स। कहने की एक टावर है जिसका डिस्टेंस ए एंड बी मीटर्स बताया हुआ है फ्रॉम द बेस और इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे इसमें हमें फिगर पहले हमें अच्छे से समझ लेनी है। तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो हमें एक हमने टावर कंसिडर कर लेना है, तो इसको हमने ले लिया, दिस इज द टावर, इसको पॉइंट्स पी क्यू ले लेते हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि एक पॉइंट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स, यहां पे ये टू पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमने ए एंड बी ले लिया। टॉप ऑफ द टावर इज पॉइंट पी, इसका एलिवेशन और इस वाले का एलिवेशन वो बाद में बताया हुआ है इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। और डिस्टेंसेस ए एंड बी बताया हुआ है, क्या चीज का डिस्टेंस है, द टू पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस ए एंड बी मीटर्स फ्रॉम द बेस, तो बेस टावर का ये वाला हो गया, यहां से ये दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, इस बेस से बी का, इस बेस से ए का डिस्टेंस उन्होंने बताया हुआ है कि दो डिस्टेंसेस ए एंड बी है। तुम्हारी मर्जी है किसी एक को ए दूसरे को बी हमने ले लेना है डिस्टेंस को। तो हमने यहां पे लिख लिया कि क्या क्या चीजें हमारे पास है, सो वी स्टार्ट द सॉल्यूशन, कैसे हमने लिखना है, लेट पी क्यू बी द टावर एंड पी इज द टॉप एंड क्यू इज बेस, ए एंड बी आर ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, जहां से हमने यहां पे खड़े होके इस टॉप को देख रहे हैं, यहां पे भी खड़े होके इस टॉप पॉइंट पी को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमने लिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस ए से क्यू, इसको ए ले लिया क्योंकि यूनिट दी हुई है मीटर्स, तो हमने इसको मीटर्स में ले लिया। एंड दूसरा डिस्टेंस बी से क्यू, बी मीटर्स, एक ए से क्यू को हमने ए लिया, बी से क्यू को बी, तुम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड लेट हाइट ऑफ द टावर पी क्यू बी एच मीटर्स, ठीक है, इसको हमने एच ले लिया। ये ए से लेकर बी तक हमारा, ए से लेकर सॉरी क्यू तक, दिस इज ए, ये हमारा बी है और ये 90 डिग्री विद द ग्राफ। इसके अलावा अब ये कॉम्प्लीमेंट्री जो बोला है, उन्होंने बोला है कि ये जो दो एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया अगर एक 30 होता है तो दूसरा 60, उनका सम 90 होना चाहिए, लेकिन यहाँ एंगल तो बताया नहीं है, तो हमने अज्यूम कर लेना है। एंड लेट एंगल पी ए क्यू बी थीटा, थीटा ले लिया, तो देयरफॉर एंगल पी बी क्यू विल बी 90 माइनस थीटा, सिंस according to question angles are complementary। ठीक है, अब ये थीटा लिख दिया और दूसरा 90 माइनस थीटा। अब हमारे पास राइट ट्राइंगल्स देखने, कितने राइट ट्राइंगल्स है, हमेशा राइट ट्राइंगल्स में हम लोग इसमें चेक करते हैं कि क्या हमारा फॉर्मूला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें अप्लाई होगा, ताकि हमें जो प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट ए बी मीटर्स। तो पहला राइट ट्रायंगल तुम लोग देखे हो, नाउ ये हमने नाउ ट्रायंगल कौन सा देखो, एक हमारा है ट्रायंगल पी ए क्यू, तो ट्रायंगल पी ए क्यू में तुमने देखना है कि ये पी ए क्यू ट्रायंगल में ये हाइट है, ठीक है, और ये है परपेंडिकुलर हाइट यानी परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, टैन,
तो हमने यहां पे लेना है tan A is equal to PQ upon AQ. अब हम एंगल A हमारा किसके इक्वल है, हमने जो क्वेश्चन में अज्यूम किया दिस इज थीटा, PQ किसके इक्वल है दिस इज H, AQ किसके इक्वल हमने लिया हुआ है इस A. ठीक है, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे ही दूसरा राइट ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल PBQ. PBQ राइट ट्राइंगल लिया, इस राइट ट्राइंगल में अब फिर से ये हमारे परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा एंगल है. तो हमने यहां पर लिखना है tan B is equals to PQ upon BQ. B एंगल क्या है हमारा 90 minus theta. ये हमने यहां डाल दिया. PQ is H upon this is B. और tan 90 minus theta कितना होता है, tan 90 minus theta it is cot theta. तो ये हो गया cot theta is equals to H upon B. This is the second equation. अब ये दो equations के हेल्प से तुमने H प्रूव करना है, height is under root AB. तो ये दो equations को हम कैसे यूज कर रहे हैं यहां पर, हमने लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड equations. फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, tan theta into cot theta. लेफ्ट साइड लेफ्ट से मल्टीप्लाई, राइट साइड राइट से मल्टीप्लाई. तो h upon a into h upon b. ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट क्यों करा हमने, क्योंकि इसको हम लिख देंगे sin theta by cos theta. और ये हो गया cos theta by sin theta is equals to h into h हो गया h square, नीचे हो गया ए. देखो इससे हमारा क्या बेनिफिट हो गया, तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं हम लोग. तो कैंसिल अगर कर दिया तो कैंसिल होके ये आ गया sin theta से कट हो जाना है और cos theta से कैंसिल हो गया. जब सब कैंसिल हो गया यहाँ बच गया 1, so this is h square upon ab. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ab is equal to h square. तो ऐसे लिख देंगे h square is ab. तो h कितना आ गया यहाँ पर अंडर रूट ए बी, क्योंकि हमने सब मीटर्स में लिया हुआ था तो ये भी हमारा मीटर्स में आ गया. तो h हमने जो प्रूव करना था हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया. तो काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना है तुम लोगों ने कि यही क्वेश्चन a एंड b के बदले, जो डिस्टेंसेस a एंड b दिए हैं इसके बदले कुछ नंबर भी हो सकता है. बिल्कुल सेम मेथड से करना है. तो काफी इजी क्वेश्चन है, स्टेप्स ध्यान रखो. अगर अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सो दैट जैसे नया वीडियो आएगा तुम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंच जाएगी. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.